हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गए हैं 6 और अभी हम फटाफट से रेडी होने वाले हैं, साइट सीइंग के लिए जाएंगे। आज हमारा होल डे मुनार में रहेगा। वी विल बी एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस। सो अभी भाई मैं आपको मॉर्निंग भी दिखाती हूँ। अभी तो मंथ ऑफ जनवरी और अभी की जो ठंड है बिल्कुल वो सूदिंग वाली है। सो वी आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो कम्पेटिवली दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ का टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। सो यू डोंट हैव टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ ये वुलन क्लोथ्स और ओवरकोट्स एंड ऑल। हमें बताया गया था कि यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, तो वी आर हमने वो सारे हैवी विंटर्स के अकॉर्डिंग सारे कपड़े ले आए थे। बट जब हम यहाँ पे पहुँचे तो इट वॉज नथिंग लाइक दैट। तो ये हम आगे हैं रोज़ गार्डन, जो मुनार टाउन से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। गार्डन इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे काफ़ी सारे कलरफुल फ्लावर्स एंड प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट्स हैं। एंड जो कोई भी नेचर लवर एंड प्लांट लवर्स हैं उनके लिए जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर उन्हें लगेगा। जैसे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया ये जगह। आई एम अ नेचर लवर, सो आई लाइक ग्रीनरी, फ्लावर्स, यू नो, एंड हिल्स। दिस काइंड ऑफ व्यूज अट्रैक्ट मी अ लॉट। सो या यू कैन हैव अ फजी टाइम ओवर हियर विद योर फैमिली और विद योर पार्टनर। ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे फोटोग्राफर्स भी आपको मिलेंगे जो आपके अच्छे अच्छे शॉट्स ले लेंगे। जो आपके यहाँ की एंट्री काफ़ी रीजनेबल है और इसकी टाइमिंग 10 to 5 है। तो आप डे टाइम में आप किसी वक्त भी यहाँ पे आके ये आप साइट सीइंग कवर कर सकते हैं। सो अब हम आ गए हैं कर्मेरागिरी एलिफेंट पार्क और यहाँ पे हम करने वाले हैं एलिफेंट राइड। एंड अभिषा के लिए कुछ नया होने वाला है, लेट्स सी उसका क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल तो उसने एलिफेंट्स को देखा है एंड शी इज़ वेरी मच एक्साइटेड, बट लेट्स सी वो उससे कैसा लगता है, वो इन्जॉय करती है या फिर वो डरती है, लेट्स सी। सो अभी तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं और अंदर और हम वेटिंग एरिया से ही एलिफेंट को देख रहे हैं। तुम बैठोगी पीछे, बैठोगी पीछे, बैठो इसको आगे बैठाना, मैं सब दो दो। अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्ड करूँ। ये पीयू कहाँ जा रहे हैं अपन? पीयू कहाँ जा रहे हैं? सो अब हम वापस आ रहे हैं एलिफेंट राइड करके। एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमें तो काफ़ी मज़ा आया, बट अभिषा वाज सो स्केयर्ड, शी वाज कंटिन्यूसली क्राइंग। इसके लिए तो पूछो मैं, शी वाज लाइक कि अब वो गिर जाएगी, फिर उसको गिरा देगा। शी वाज कंटिन्यूसली क्राइंग। सो अभी तो ये फिलहाल एंड हो गया और अगला एलिफेंट को पाइनएप्पल खिलाएंगे जो कि पीयूष खिलाएगा। सो वी आर वेटिंग। हाँ दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे भाई। हाँ और
मज़ा आ रहा था देख के ये। आई मीन ये हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम था तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखो ये कैसे रो रही है, बोल रही है मैं डाटा मैं कैसे नीचे उतरूंगी। देखना उतना ही निकलेगा यार। और अब हम आगे हैं मैटी कैटी डैम और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, वाटर एक्टिविटीज़, और कुछ हमने शॉपिंग करी है यहाँ से के लिए। एंड हाफ एन आवर इज ओनली फॉर दिस मारी इधर जुड़े हैं देंगे देंगे पापा मैं कैप्चर कर रही हूँ, पापा हम कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू इको पॉइंट। सो अभी तक हमने दो तीन स्पॉट्स कवर कर लिए हैं, फ्लावर गार्डन और मधुपिट्टी लेक, लेक और एक और जगह गए थे ना एलिफेंट ड्राइव। एलिफेंट ड्राइव। सो मम्मी कैसा रहा अभी तक? बहुत अच्छा रहा। हाँ मज़ा आया? नहीं हो सकता।
ग्लासेस तोड़ लिया जाए। हाय गाइस, तो अभी शाम हो गई है, अभी हम स्पाइस गार्डन आए हैं। हम सारे स्पाइस गार्डन में बैठे चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, और इंट्री हमने टिकट काउंटर बाहर है वहाँ से कर लिया था। अभी हम यहाँ स्पाइस गार्डन आए थे, हमने एक्सप्लोर कर लिया, अंदर वीडियो बनाने का हमें परमिशन नहीं मिला था, सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये हमारा विजिट। एंड टुमारो वी विल बी विजिटिंग एलएपी, तो मैं टुमारो आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कैसे हमने कल का दिन स्पेंड किया। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।